जी मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि औरंगाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़े। एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिर्फ 28 दिन पहले ये फैसला लिया गया था और लोकसभा का इलेक्शन कोई 28 दिन पहले ले तो मेरे हिसाब से लोग समझेंगे कि या तो कैंडिडेट का दिमाग ख़राब हो गया है या लोग आरोप लगाएंगे कि ये किसी न किसी को हराने या जिताने के लिए खड़ा हुआ है, जो यकीनन मेरे ऊपर भी लगाए गए थे। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था और मुझे मालूम था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चुनेगी। पर हमने 28 दिनों तक एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब हमने 20 घंटे से कम काम किया हो, महज 3 घंटे 4 घंटे की हम नींद लेते थे। 28 घंटे मेरे साथ औरंगाबाद के बेहिसाब ऐसे नौजवान लोग थे जो दिन और रात न धूप देखते थे, न छाँव देखते थे, न भूख देखते थे, न प्यास देखते थे, बस लगे रहते थे काम में। और आज शायद मैं उसी का नतीजा है, उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। और ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग नौजवान हमारे लोगों की, हमारी माँ और बहनों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हो रहा है। आवाम पिछले न जाने कितने सालों से वो इंतज़ार कर रही थी उनका अपना कोई खासदार हो। औरंगाबाद शहर में 40 साल पहले एक मुस्लिम एमपी हुआ करता था। यहाँ की आवाम जानती थी कि यहाँ पर मुस्लिम एमपी बड़ी आसानी के साथ चुना जा सकता है, लेकिन कोई भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इन्होंने हमारे साथ अगर कुछ किया है तो ये किया है कि आप हमें वोट देते रहो लेकिन आपको ना हम एमपी बनाएंगे ना एमएलए बनाएंगे। तो ऐसी सूरत में एक बहुत ही बोल्ड कदम हमने उठाया था लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत की कगार के ऊपर। लेकिन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले थे और अकेले होने के बावजूद वो जब भी मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के ऊपर जब भी कोई जुल्म होती या उनके कोई मुद्दे होते तो उन मुद्दों को यकीनन वो उठाते। आज मुझे खुशी है कि असद अवैसी साहब के बाजू बैठने का मुझे शर्फ हासिल होगा और इतने अच्छे स्पीकर और इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन के साथ मुझे ये शर्फ हासिल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़बान में भी अल्लाह वही तासीर दे कि मैं अपने कौम के, अपने लोगों के मुद्दे वहाँ पर उठा सकूँ। आम लोगों से पूछे कि आप मोदी के कारनामों से खुश है क्या, तो वो भी कहता था कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ। अगर आज मोदी ने इतने सारे या भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे अगर सीटें हासिल की है तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर ये सीटें हासिल की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए बहुत ही एक गलत ये इलेक्शन को इस नज़रिए से मैं देखता हूँ क्योंकि मोदी के पिछले 5 साल के कारनामे ऐसे कुछ नहीं थे कि वो 350 सीटें हासिल कर सके। किसी का भी अनुमान था, हम खुद ही अनुमान लगा रहे थे कि 180-200 सीटें वो लेकर आएंगे, लेकिन 350 ये तो हमारे लिए हजम होने वाली बात नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर सके, बहुत कम वक्त बचा हुआ था और उतने ही कम वक्त के अंदर हमें ये देखना था कि कितने लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज कई ऐसी सीट्स है कि जहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा वोट हासिल किए हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा लक्ष्य जो है वो विधानसभा का ही था, लोकसभा के अंदर तो हम एक ट्रायल ले रहे थे और हम समझते हैं उस ट्रायल के अंदर हमें कामयाबी मिली है। हाँ, मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस है कि बाला साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को जन्म दिया है, और हमारी बड़ी खुशी होती कि बाला साहब हमारे साथ अगर पार्लियामेंट के अंदर जाते, लेकिन क्या वजह हुई इसके बारे में तबसरा करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाला साहब को ये सोचना चाहिए कि बाला साहब अगर नहीं है तो उनकी आवाज़ बनकर इम्तियाज़ जलील इंशाल्लाह लोकसभा के अंदर।